आज की रेसिपी बहुत आसान है, हम बनाएंगे बड़े मज़ेदार से आपके लिए खानदानी किस्म के कोफ्ते। ठीक है, हमें क्या क्या अज्जा चाहिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आप लेंगे टमाटर, टमाटर के साथ आप लेंगे कीमा, कीमा मैं यूज करूंगा चिकन का बिकॉज वी आर द चिकन जनरेशन। फिर हम इस्तेमाल करेंगे एक अदद अंडा, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा आटा, प्याज और नमक। सिंपल रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने करना है सब कुछ मिक्स, हम इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा, कीमा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आधा किलो। ठीक है, वहाँ कीमा यहाँ डालते हैं। अच्छा, अब क्योंकि देखो हाथ थोड़े से तो मैसी होंगे, ठीक है, लेकिन फिर हम वॉश भी कर लेंगे। वॉश करेंगे और वॉश हम करेंगे पामोलिव से, जो कि हमारे हाथों को मॉइस्चराइज भी करेगा और साथ साथ डलनेस से भी बचाएगा। अच्छा, हमने डालना है वहाँ इसके अंदर थोड़ी काली मिर्च, मैंने हाफ टी स्पून डाली है। मैं डालूंगा 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर। अच्छा, मसाले बचाने हैं, ठीक है, क्योंकि मेन डिश में भी जाने हैं। ठीक है, फिर मैं 1 टीस्पून डालूंगा जीरा पाउडर, बचाने गरम मसाला मैं डालूंगा मसाला 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी मैं डालूंगा इसमें सिर्फ एक चुटकी हल्दी। चिली फ्लेक्स हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून आधे किलो नमक में मैं डालूंगा आधा चाय का चम्मच, आधे किलो नमक, आधा आधे किलो कीमे में हम डालेंगे इसके अंदर नमक 1/2 टीस्पून, ठीक है, ठीक है, एंड दैट्स अबाउट इट। पहले हम इसको करेंगे ड्राई मिक्स, ठीक है, ठीक है, मैं इसको घुमाता हूँ, ठीक है, साथ साथ इसको मिक्स करते हैं। इसमें मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं डालना, ठीक है, सिर्फ ये चीजें ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा, पहले इसको मैं मिक्स करूंगा, ठीक है, जब मैं ये मिक्स कर लूंगा इसमें मैं थोड़ा सा आटा ऐड करूंगा, आटा ऐड करूंगा, ज्यादा नहीं, बहुत मामूली सा। अच्छा, इसको आपने देखें जिस तरह आटा गूंदते हैं ना, उस तरह हाथ से गूंदना है ताकि मसाला सही से हर जगह जाए, वरना सिर्फ आपने चम्मच से घुमा लिया ना तो नहीं होगा। अच्छा, देखें पाकिस्तानी खाने अच्छे इसलिए भी हैं क्योंकि प्यार भी जाता है और मेहनत भी है और टेक्निक भी है, ठीक है ना। हम इसको जब इसको मिक्स करेंगे ना, मिक्स करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना भी है। अच्छा, हम पता है आटा क्यों डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं आटा, तो हम इसलिए भी डालते हैं जाहिर सी बात है, उसको पकड़ता है, लेकिन उसकी एक वजह है, गहरी वजह है। अच्छा, आपने एक चीज समझनी है, जब आप मसाला डालेंगे ना और जब आप नमक डालेंगे कीमे में चिकन के या बीफ के, नमक क्या करता है, पानी खींचता है किसी भी चीज का, तो उससे क्या होता है इसमें पानी आगे आता है और ये आपस में पकड़ा नहीं जाता, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून आटा डालूंगा, ठीक है। अब मैं इसको वापस से करूंगा मिक्स, आटा होता है खुश्क, वो इसको आगे पीछे ज्यादा नहीं होने देगा, इसको पकड़ में बाइंड करने में हेल्प करेगा और जो पानी निकलेगा ना उसको करेगा जज, ठीक है। तो देखें, आप देख रही हैं थोड़ा सा ड्राई हो गया है अभी, ठीक है। अब मैंने इसको ये कर लिया, अब मैंने कहा था थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन मजा आएगा। अच्छा, एक अंडा लेना है, आज उल्टे हाथ से हम इसको तोड़ लेते हैं, ये भी टेक्निक है जी, दोनों हाथों को सही से इस्तेमाल। अच्छा, अंडे को हमने बीच में पहले इस तरह ऑमलेट की तरह फेंटना है, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इसको फेंट रहा हूँ, ये हो गया। अभी देखें आहिस्ता आहिस्ता मिक्स हो रहा है, इसको अब मैं करूंगा फोल्ड। अच्छा जी, ये हो गया वहां, अब मैं करूंगा हैंड्स वॉश और इसको हमने इस तरह करने के बाद जो है ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। कितनी देर? तकरीबन कोशिश करें आप इसको आधा घंटा छोड़े, ये भी एक मैरिनेशन है, ठीक है, क्यों मसाला लगा हुआ है, फ्लेवर इसका अच्छे से घूम रहा है इसके अंदर। अब मैं इसको यूं रखूंगा और मैं आपके लेकिन सामने हमें जल्दी है तो हम कितनी देर में इसको, हम इसको 5 मिनट तो छोड़ेंगे, जैसा कभी कभी बहुत कम टाइम है, कम टाइम तो 5 मिनट के लिए छोड़ दें, ठीक है। बातें बताएं रमजान के बारे में, बिल्कुल तैयारियां तो शुरू हो चुकी होंगी और ऐसे सामान भी आना शुरू हो चुका होगा घर में, पकाने का, दावतों का और साथ साथ कपड़े जूते हर चीज तो चल ही रही होती है, तो खवातीन भी भरपूर इंजॉय कर रही होती है। ये वाला फेज शॉपिंग का सारा होता है, ये तो है। और हम मर्दों की शॉपिंग पता है कब होती है, ईद से 25 दिन पहले, क्यों? क्योंकि कोई दर्जी कपड़े ही लेता उसके बाद जी, तो हमारे सीधा सीधा 4 से 5 कलर हैं जी। और बस वैसे पता है लास्ट ईयर मैंने ब्लू रंग का सलवार कमीज पहना था जी जी। अब थोड़ा सा हम सिंधी टाइप है ना, जरा पसंद है कलर शलर हमें। अच्छा जी, चले मैंने यहाँ पैन रखा, यहाँ हमने दूसरी डिश रखी। अच्छा, कोफ्ते बनेंगे 2 पार्ट में। सबसे पहले हमने जो है ना इसका पेस्ट भी बनाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बड़ी मजेदार सा इसका एक टेक्सचर हो, तो हम आप जग लगाएं उसके ऊपर। सबसे पहले आज दूसरी रेसिपी बहुत मजेदार है, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही लजीज किस्म के समोसे एंड चिकन टावर। ये बेसिकली होगा क्या, समोसा फ्राइड चिकन, समोसा फ्राइड चिकन, ऊपर से आएगी सॉसों की बारिश और मज़ा, ठीक है जी। चेक करें मशीन चल रही है, चल रही है, चलें। अच्छा, सबसे पहले 1 टमाटर डालूंगा बेचारा अकेला, ठीक है। अब डालते हैं दूसरा, अब तीसरा, हो गया। अच्छा, कभी कभी टमाटर जब थोड़े से ज़्यादा लाल नहीं होते, वो कच्चे की तरफ होते हैं, तो उनको पिसने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपने सही से करना है, ठीक है। थोड़ा सा मिक्स कर लें, इसकी सही से पेस्ट बना लें। हाँ ठीक है,
अच्छा फाइन पेस्ट हो गया तैयार, ठीक है माम। ऑयल गरम करना है हमने, हम इस्तेमाल करेंगे डालडा का ऑयल, और डालडा का ऑयल हमने डालना है तकरीबन इसके अंदर हसबे जरूरत, ठीक है, टू टाइम्स रिफाइंड है, ठीक है जी बिल्कुल। बेहतरीन पाउचे देखें, जितना दूर से डाल रहा हूँ खराब नहीं हो रहा, यहाँ तक कि उल्टा भी कर ले तो लीक नहीं होता, ये सीधा भी कर ले। अच्छा हमने फ्राई करने के लिए ऑयल डाला है, ये मैं आपको दिखा था कि इस पाउच की कितनी ड्यूरेबिलिटी है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी तेल नहीं जाता। अच्छा इसको हमने गर्म करना है, साथ साथ माहम चले अब शुरू करते हैं कुकिंग। आप जग लेके आए, इधर जग लेकर आऊं, ठीक है। शेफ माहम इज इन द हाउस, ठीक है जी। शेफ माहम ने यहाँ रखा है, ओके। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, बल्कि इसको साइड पे रखते ताकि आपके पास कैमरा में सारा व्यू क्लियर हो, ठीक है। प्याज की मैंने रूट निकाल ली है, ठीक है, डेढ़ प्याज मैंने इस्तेमाल करना है, जो रूट निकल गई है उसको हम डस्टबिन में फेंकेंगे, ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा प्याज हम करेंगे बिल्कुल फाइनली स्लाइस, ठीक है, स्किन हमने साइड पे कर दी। अच्छा जी ये भी गरम हो गया डालडा का, फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन ओनली 5 टेबल्स, दैट्स इट, ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीज। अच्छा जी इसको उठाएं, प्याज ऐड किया हमने, प्याज भूनना है इसके अंदर। अच्छा प्याज हम करेंगे लाइट ब्राउन, ये बात याद रखिएगा। अच्छा हल्का सा नमक ऐड करेंगे, नमक ऐड किया थोड़ा सा, इसको हम लिड देंगे और लिड दे के ये वाला लिड नहीं है, इसका नहीं है, इसका है, है, हो जाता है, हो जाता है। अच्छा अब माहम हमने करना है इसको मिक्स, ठीक है, इसको खोलते हैं, यहाँ से एक लंबा टीस्पून लेते हैं और इसको हिला लेते हैं। ओके। अच्छा ये पता क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ? अच्छा हर प्याज को अच्छे से ऑयल लग रहा है, ठीक है, जब ऑयल लगेगा तो वो खुलेगा, उसको सही से फ्राई होने के बाद लिड मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये पहले ट्रांसलूसेंट हो, नरम हो जाए और फिर ब्राउन हो। साथ साथ यहाँ जरा चेक करते हैं टेस्टिंग मारे। अच्छा जी चले कोफ्तों का तेल गर्म हो रहा है, जब तक पक रहा है मैं थोड़ा सा क्लीन अप करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा अगला स्टेप क्या है। अच्छा आप ये देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल मैंने फ्राई टेस्ट के ऊपर तैर रहा है, यहाँ डिबोएंगे। अच्छा कोफ्ते का जरूरी नहीं है कि ये मतलब है कि सिर्फ हर चीज गोल हो, हम क्या करते हैं हम इसको सेमी गोल रखेंगे इस तरह आपके सामने, ठीक है, और इसको मैं ऐड करूंगा सेमी गोल, हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। अच्छा काफी सारे कोफ्ते बन सकते हैं, जितने आप बनाना चाहते हैं बना, ठीक है। अब जब मैं इसको पैन में डालता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ देखें इसको फोल्ड कर रहा हूँ, कोफ्ता टूट भी नहीं रहा। सब कहते हैं ना यार कोफ्ता टूट जाता है, जी जी। आप ये रेसिपी लगाएं, कोफ्ता टूटेगा बिल्कुल भी नहीं, नाम नहीं बदलना, हाँ नाम नहीं बदलिएगा। उस दिन कोई मुझे कॉल कर कहता है मैं आपका नाम बदलूँ, मैंने कहा क्यों कैसे दिल कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई लाइव कॉल इसलिए नहीं लेते। अच्छा जी चलिए ये हो गया, अब मैं सिर्फ और सिर्फ इनको फ्राई कर रहा हूँ आपके सामने और कुछ नहीं कर रहा। मैम लिड हटाएंगे जरा, बात देखें क्या फ्यूचर है उसका। इसका फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर ब्राइट है, चले अगर फ्यूचर ब्राइट है, कोफ्ते भी पक रहे हैं बड़े मजे से, ठीक है। हम ये फ्राई कोफ्तों के साथ कर रहे हैं, रेसिपी का बड़ा मजा आने वाला है आपको इंशाल्लाह। अच्छा अब मैं ये फ्राई कर रहा हूँ कोफ्ते, माम आपने आग यहाँ तेज करनी है। शेफ माम इन द हाउस, पुट योर हैंड्स अप, चले सब तारीफें करें, तालियां बजाएं माम के लिए, आग तेज कर दी मैंने, तेज कर दी माम। अच्छा अब आपने काम करना है, आपने टमाटरों का जो जग है ना, ठीक है, इसमें ट्रांसफर करना है, लेकिन मिलजुल के काम करेंगे, इफ्तारी का टाइम आ रहा है, आज रोजा लग रहा है। ओके ये पेस्ट है, हाँ जी वो मैं इतने दिनों से हम उसकी प्यूरी सी बना रहे थे ना, हाँ थोड़ा सा देखे उसमें पानी जब डालते हैं ना वो अलग हो जाता है। अच्छा मैंने सारे कोफ्ते कर लिए, अब मैं आऊँगा कुकिंग की तरफ। अच्छा कोफ्तों को आपने फुल नहीं कुक करना, इसको मैं सिर्फ देखे हाफ फ्राई कर रहा हूँ ताकि बाकी ये मसाले में पकें और अपना फ्लेवर उसके अंदर दें, ठीक है जी। सिंपल इजी मैं आपके सामने रेसिपी लेके आया हूँ, बड़ी गवाह रहना दोस्तों मैंने कुकिंग की है ये देखे। अच्छा मैम अब आपने ये उठाना है, ये दे कैच, नहीं ऐसे वाला कैच नहीं मैं कर सकती, इसको हमने इसके अंदर डालना। अच्छा जी कोफ्ते हो गए, सिंपल इजी, जिंदगी में मजा आना चाहिए कुकिंग के साथ साथ, कुकिंग एक बोझ नहीं है, कुकिंग एक आर्ट है, कला है, और ईद पे अब तैयार हो के आपको ये मैं आपको ऐसी ईद की रेसिपी बता रहा हूँ कि आपने अपने इस भाई को दुआएं देनी है दिल से। अच्छा जी ये हो गया, अच्छा जी अब हम क्या, अच्छा जी चले अच्छा नमक हम ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन एक चुटकी, दिस इज डन। अच्छा माँ हम ये ऑलमोस्ट हो गए, मैंने सिर्फ इसके ऊपर एक लेयर देनी थी, तो हमें काम करेंगे ये टिश्यू लेंगे, ठीक है, टिश्यू लेने के बाद इसको आप डबल करें,
ट्रिपल करें। टिश्यू हमेशा लेते हैं क्योंकि ऑयली चीजें जो लाजमी है ना, टिश्यू जो ज्यादा ऑयल ऊपर होता है वो जज्ब कर लेता है टिश्यू। अच्छा अब चलो जो हमने हल्के हल्के कोफ्ते फ्राई किए ना पहले वाले वो हम निकाल पहले वाले निकाल। कलर चेक करें, स्वाद ना आया तो नाम बदल देना मेरा। और कलर से मुझे एक ही चीज याद आती है, बस हम सोचें क्या, चाय। गोल्डन कलर किसी भी फ्राइड चीज का होता है तो मुझे लिप्टन का एक कप चाय मिल जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि वो देता है परफेक्टली गोल्डन कलर। मैम जो है ना इफ्तारी में लेती है खजूर, आती है चाय। तो मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि माहम बहुत खुश है कि हमारे साथ लिप्टन हमारा एक पार्टनर बना हुआ है इसके लिए। क्यों? क्योंकि माहम के दिल से आवाज निकलती है। ये थोड़े मैंने और ट्राई करने हैं माहम, ठीक है, क्योंकि ये आखिरी में आखिर में डाले, ठीक है, सिर्फ एक मिनट और करेंगे, बाकी देखिए लाइट गोल्डन है। अच्छा जी चले अब हम यहाँ काम शुरू करते हैं। मसाले ऐड, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, एक चुटकी ये, एक टीस्पून लाल मिर्च, ठीक है, लाल मिर्च में, चिली फ्लेक्स, तो नमक, और भूनेंगे इसको। ओके। अच्छा देखिए फ्लेवर आता है अगर थोड़ा सा आप इसमें मिल्क ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं मैं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें ऐड करूंगा 50 ml, ठीक है, 50 ml जो कि गिजाइत से भरपूर है। और विद ऑल पर्स मेक एवरी मॉर्निंग अ हैप्पी मॉर्निंग। ठीक है जी माहम अब हम इसको निकालें। चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है ना। कहते घर पे YouTube पे जो नहीं बच्चों की नर्सरी रैंक बहुत देखती हैं फौरन 10 10। चले जी ये हो गया, बड़ा सिंपल था, बड़ा मजे का था। अच्छा अब हमने इसके अंदर मिल्क डाला था, ठीक है, ठीक है, मिल्क हमने क्या किया पकाया और देखिए दूध इसका भुन गया इसके साथ, भुन गया। वापस थोड़ा डालेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा इसका टेक्सचर निकाल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आपने सारा दूध डाल दिया तो पानी पानी हो जाएगा, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है। आपको क्रीमी फॉर्म देना, हम क्रीम नहीं डालेंगे, हम ऑलपर्स का मिल्क ऐड करेंगे। ये देखें टेक्सचर निकला इसका, ओके। आहिस्ता आहिस्ता आपने डालना है तो फिर हम पूरा पैकेट डालेंगे, एक ऐड करेंगे, ठीक है। ये हो गया माम कपड़े, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कपड़े धुलवाती है, मुझे शिकायत है इनसे, कपड़े धुलवाती कहती है जो जिम्मेदार होगा मेरे कपड़ों पे निशान खाने का वो सारे ड्राई क्लीन जो हमने करवाने हैं। तो हम इतना डरते हैं क्योंकि 30 एपिसोड में 30 कपड़े ड्राई क्लीन कराए ना, यकीन माने 6 बच्चों की ईदी निकल जाएगी कम से कम, ठीक है जी। अभी तो मैंने भी लेनी है ईदी, अल्लाह जाते जाते। चलो चलो अभी माम को भी ईदी देंगे, ठीक है। अच्छा, मेरी ईदी बड़ी सिंपल होती है, मैं एक केक बना के देता हूँ, वो बनाना ब्रेड, वो भी। ये क्या बात है, नो 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 नो। देखिए हमें सिखाया गया बड़ों से जो चीज हाथ से बनाई जाती है ना उसकी बच्चे है ना वो होशियार हो गए, वरना फिर अगर ज्यादा है तो पकौड़े पकौड़े मिल सकते हैं। पकौड़े पकौड़े बहुत खा लिए मैंने आपके हाथ, वो तो है, ये तो है पैसा चिकन हमने हाफ कुक कर लिया था, बाकी हम इसमें पकाएंगे।